मुर्गियों की फैमिली से, लेकिन ये फैंसी में आ जाती है। तो ये पैर आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए का। एक कहावत सुनी होगी जिसको बोलते हैं सुरखाब के पर लगे हुए, तो ये वही सुरखाब है। है ये मेरा दिल कर रहा है मैं इसको अपने घर लेके चले जाऊं। मैं वैसे ही बहुत एनिमल लवर हूं, खुदा की कुदरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महंगा नाजीन। आज मैं सदर बर्ड मार्केट में मौजूद हूं और यहां पे आने का मकसद सबसे ज़्यादा मेरा ये है कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाली है जो एनिमल बर्ड लवर हैं, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं परिंदों को। मैं खुद बहुत ज़्यादा एनिमल बर्ड लवर हूँ और यहाँ पर ऐसी नायाब नस्ल के परिंदे आए हुए हैं कि शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। लोग बहुत शौक़ रखते हैं कि वो मुख्तलिफ नस्ल के जो है परिंदे पालें, उनकी ब्रीड करें, उनकी नस्ल बढ़ाएं। लोग लाखों इवन के करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते हैं इस चीज़ में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं, कौन कौन सी नस्ल के परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी क्या प्राइजेज हैं, उनको आप क्या खिला सकते हैं, किस तरह उनको पाल सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने में आती है कि कुछ लोग अगर यहाँ से परिंदे या कोई जानवर खरीद के लेके जाते हैं तो वो उनकी केयर नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो ये लोग किस तरह से इतने सारे परिंदों की केयर करते हैं, कैसे इन लोगों को पालते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। और सबसे मेन चीज़ कि इनकी प्राइजेस क्या हैं, क्योंकि इनकी प्राइजेस ऐसी होने वाली हैं कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मेरे दोनों कंधों पर आप सब तोते देख रहे हैं, ये कोई आम तोते नहीं है, लाखों में इनकी कीमतें हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, और वो भी मेरे कमर से उतर रहा है, तो आपको बताते हैं कि क्या प्राइजेस हैं, किस तरह इनकी केयर होती है, ये क्या खाते हैं और किस तरह इनकी हम नस्ल बढ़ा के खुद भी पैसे कमा सकते हैं। मोहम्मद शहरोज मौजूद हैं और जितने भी यहाँ पे इस वक्त बर्ड्स हैं, और मेरी तो आँखें जो है ना वो थक ही नहीं रही हैं इनको देख देख के। इतनी खूबसूरती यहाँ पर मौजूद है, क्या शान है खुदा की, क्या कुदरत है खुदा की। तो काफ़ी यूनिक नस्ल है यहाँ पर, काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं और क्या क्या प्राइजेज़ हैं और उनका फीट क्या है, क्या चीज़ें, ये सारी डिटेल में ये बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरोज भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट केस से, ये ऊपर बताएं ये कौन सा परिंदा है, क्या चीज़ है ये? मुर्गी कहलाती है, पॉलिश ब्रीड है, ये बाहर की होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, सर पे इनके फ्लावर टाइप बना होता है। देखें आप इसको कितने खूबसूरत लग रही है। ये भी मुर्गियों की फैमिली से, लेकिन ये फैंसी में आ जाती है। ये हलाल है? जी बिल्कुल हलाल है, मुर्गी है, अपनी काट के खा सकते हैं आप। अच्छा, वैसे नस्ल कौन सी का क्या बताया? कहलाती है ये पॉलिश जी। और ये क्या प्राइसेस होती है इनकी, अगर एक लेना चाहे कोई पेयर लेना चाहे? देखें एक भी मिल जाएगा, जो हमारे पास अभी फिलहाल पेयर पेयर है, एक्सेस भी हम लोग दे देते हैं लेकिन उसके प्राइस अलग होते हैं क्योंकि हमारा पेयर खराब हो जाता है। तो ये पेयर आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए का जी। ये फाइनल प्राइस है? नहीं, जो भी लेने आएगा उसको कमी पेशी कर देंगे थोड़ी बहुत, फाइनल तो खैर नहीं है। देखें बताने कुछ और होते हैं कस्टमर, आपको पता है फिर 10-20-100-150 तो कम करवाने ही होते हैं उसमें। अच्छा, ये क्या चीज़ रखी हुई है? दो हैं ये, क्या है ये? ये टर्की कहलाती है, ये भी हैन फैमिली से ताल्लुक है इसका, ये टर्की कहलाती है। ये भी लोग घर में पालते हैं? जी बिल्कुल घर में पालते हैं, और ये भी हलाल है। अच्छा। जी ये भी काट के खा सकते हैं आप। वैसे ये इतनी आम तो नहीं है पाकिस्तान में, उसकी वजह क्या है? लोग ज्यादातर इसको शौक के तौर पे पालते हैं। एक खूबसूरत बर्ड है, ये भी खूबसूरत फैंसी है, दुम बुम खोलता अपने, बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है, लेकिन हलाल ये भी काट के खा सकते हैं आप। इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये 12,000 रुपए का पेयर है। कोई भी कमी पेशी जब कोई आएगा अगर तो फिर आप कर देंगे। अच्छा, मुझे इसका बताएं, मैं जब से शॉप में आई हूँ मैं इसको देख रही हूँ, माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती है, जो कलर्स इसके अंदर हैं ये। जी जी जी, एक कहावत सुनी होगी जिसको बोलते हैं सुरखाब के पर लगे हुए, तो ये वही सुरखाब है। मैंने पहली बार सुरखाब को देखा, के पर लगे हुए, तो ये वही सुरखाब है। ये भी बड़ा यूनिक जानवर है, ये हर जगह नहीं होता और बहुत खूबसूरत होता है और थोड़ा सेंसिटिव है ये। जी क्या खाता पीता है ये? नॉर्मल मुर्गियों वाली फीड खाता है, दाना वाना ये मिक्स दाना वगैरह खाता है, इसको बोलते हैं रेड एंड गोल्डन फेजेंट। अच्छा, और इसकी क्या प्राइस है? ये आपको देंगे 35,000 रुपए का जी। ये भी घर में इजीली पल जाता है? इजीली पल जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी कच्ची मिट्टी वगैरह चाहिए होती है, उसमें ज्यादा खुश रहता है ये।
ये भी पेयर होते हैं, ये दूसरा वाला जो है देखें, जो इसका मेल होता है वो थोड़ा खूबसूरत होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, और जो फीमेल होती है वो सादा सिंपल ब्राउन कलर होता है। अच्छा, ये फीमेल है इसी की? इसी की फीमेल है। सारी फीमेल ऐसी होती है? जी, सारी फीमेल ऐसी होती है, इनके मेल जो होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। आप इसको थोड़ा निकाल के दिखाएं। कलर्स देखें माशाल्लाह से, इतना हसीन जानवर है। मैंने सिर्फ आज तक सुना ही था सुरखाब के परों का, आज अपने हाथ में लेके मैंने सुरखाब के पर देख लिए और बहुत हसीन है यार, मतलब गोल्डन कलर, प्योर गोल्डन कलर है। तो मैंने पहली बार कोई ऐसा परिंदा देखा है जिसके सर पे वाकई में प्योर गोल्डन कलर है, और इसकी दुम देखें आप, इसके आगे के ये रेड कलर के पर देखें, और बहुत प्यारा है ये, बहुत हसीन जानवर है ये वाकई में। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको अपने घर लेके चले जाऊँ, मैं वैसे ही बहुत एनिमल लवर हूँ, बहुत खुदा की कुदरत है। तो 35,000 आपने ये पेयर के मुझे बताया, और ये बताएं कि इनकी ब्रीडिंग भी आप अगर पेयर लेके जाते हैं तो घर में कर सकते हैं? जी, नॉर्मली ब्रीड करता है, अंडे देते हैं जैसे मुर्गी की तरह, अगर इनको नेचुरल माहौल देंगे तो ये खुद भी बैठते हैं, अगर नेचुरल माहौल नहीं है तो आप इनके अंडे इनक्यूबेट कर सकते हैं। जी, अच्छा, अब ये नेक्स्ट आ जाते हैं, ये ऊपर ये क्या है? पीकॉक है, ये पाइट पीकॉक कहलाते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, ये भी थोड़े बच्चे हैं अभी ना, उम्र में छोटे हैं, ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं, ये भी बहुत अच्छा मतलब कलर है। क्या इनके पेयर की क्या प्राइस है? ये आपको देंगे 20,000 रुपए का पेयर, पट्टों का बच्चों का पेयर है ये। और ये तो कबूतर है, ये कौन सी नस्ल कहलाते हैं? ये गुब्बारा कबूतर कहलाते हैं, बेसिकली हम आम गुब्बारा बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं एशियन पॉटर जिसका नाम है, ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं, ये आपको देंगे 20,000 रुपए का पेयर। अच्छा, ये तोते लग रहे हैं बजाहिर अपनी जिसामत से, तो ये क्या, ये तोते ही हैं? जी बिल्कुल, ये तोते ही, इनको बोलते हैं लॉरीज, लॉरीकेट बोलते हैं, ये बड़ी खूबसूरत होती हैं, ये डांसिंग बर्ड है। अच्छा। जी बहुत प्लेफुल होता है, ये डांसिंग बर्ड है, ये कोई घर में लेके जाता है तो बहुत खुश होता है, बड़ी खूबसूरत तरीके से, देखें इनको आप खेलें, ये बड़ी मस्तियाँ करती हैं, लॉरी कहलाती हैं, इसमें भी अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत, इसको बोलते हैं रैम्बो लोरी। ये बोलते नहीं है? नहीं बोलते नहीं है, ये फ्लाइंग टाइम हो जाते हैं घर में, जैसे बच्चों के लिए डांसिंग बर्ड, बहुत अच्छा है ये। ये पेयर कितने का है? ये पेयर देंगे 75,000 का। जी मतलब भाई बड़ा महंगा पेयर है ये, और ये खूबसूरत बड़े हैं, काटते वाटते तो नहीं है ये? देखें ये वाइल्ड पेयर है, ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए है, तो जाहिर सी बात है जो वाइल्ड होता है वो बाइट करता है, जो टेम जिसको हम बच्चा लेके पालते हैं तो वो टेम बर्ड हो जाता है, वो बाइट नहीं करता। मेल फीमेल है पेयर? फ्रॉम डीएनए टेस्टेड पेयर है। अच्छा, मैं काफी देर से देख रही हूँ ये छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे जो है, ये छोटे छोटे चिड़िया है, ये क्या है? देखें ये तो सिंधबाद कहलाती है, बाकी ये हमारे पास जावा चिड़िया पड़ी हुई है, ये आजकल बड़ी नायाब हुई हुई है, ये नायाब इस वजह से हुई हुई है, लोग पहले लोगों का शौक इसकी तरफ खत्म हो गया था, अचानक इसका शौक बढ़ा है, तो इसके रेट भी बहुत आसमानों पर बातें कर रहे हैं। क्या वजह है शौक बढ़ने की? शौक बढ़ने की वजह ये है कि चिड़िया है, झावा चिड़िया कहलाती है, बड़ी खूबसूरत होती है, और ये टॉकिंग में विस्लिंग करती है, हाँ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आवाजें निकालती है, और बड़ी खूबसूरत होती है, देखें कितनी अच्छी लग रही है बेटी बेटी को, इनकी शक्ल पेंगुइन से मिल रही है, ग्रे झावा कहलाती है। ये बताया था आपने, ये वो है, ये भी बड़ी खूबसूरत होती है, अलग अलग देखें डिफरेंट कलर है इसके अंदर, ब्लैक व्हाइट ब्राउन, एक ही चिड़िया के अंदर कितने सारे कलर है। जी ये एक अलग वैरायटी है, इनमें भी अलग अलग नस्ल होती है, इसमें भी अलग अलग नस्ल होती है, बाकी नस्ल अलग लगी हुई, मैं आपको बाहर विजिट करा दूंगा। ये क्या रखे हुए नीचे, ये भी बड़े खूबसूरत जानवर, ये पार्टरेज कहलाते हैं, रोल रोल पार्टरेज नाम है इसका, बड़े खूबसूरत होते हैं ये भी, देखिए कितना खूबसूरत है, सर पे ताज है इसके, बड़ा मचल अच्छा खूबसूरत बर्ड है। और ये क्या इसकी पेयर की प्राइस? ये पड़ेगा 80,000 का। अच्छा, इतने महंगे महंगे जानवर होते हैं तो लोग वाकई इतने पैसे खर्च करते हैं जानवरों में? जो पेट लवर होता है वो इस पैसों के बारे में नहीं सोचता, जो एनिमल लवर होगा पेट लवर होगा वो पैसे देखते नहीं, शौक का देखें कोई मोल नहीं है, शौक में लोगों ने घरों में शेर भी पाले हुए हैं तो फिर ये तो बर्ड है, शॉप का कोई मोल नहीं, जो एनिमल लवर होगा जैसे हम खुद एनिमल लवर हैं, देखें आपकी हमारी शॉप पे आपको हर वैरायटी मिलेगी, हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह अवेलेबल है। अब जो है हम जो है ना पैरट्स की तरफ आते हैं, जो लाखों की कीमतें जिनकी हैं उन पैरट्स के बाहर की तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस कौन कौन सी नस्लें हैं यहाँ पे, क्या क्या उसकी प्राइजेज हैं।
बाकी जो पीछे सारे ये तोते यहाँ बैठे हुए हैं काफी गुस्सैल हैं, काफी गुस्सा कर रहे हैं, काटने के लिए हमला कर रहे हैं मुझ पर। लेकिन ये सबसे प्यारा तोता है, आप ये देखें जरा खूबसूरती देखें आप, बहुत फ्रेंडली है, बहुत खूबसूरत तोता है, मजे का तोता है। अच्छा भाई आप इसके बारे में बताएं कौन सी नस्ल कहलाती है और किस तरह इसको पाला जाता है और फिर एंड में हमें इसकी आप प्राइस बताइएगा। देखें ये मालाकंड काकाटू कहलाता है, बेसिकली ये पिंक कलर का होता है, बहुत लोग इसको लाइक भी करते हैं, बहुत अच्छा टॉकिंग बर्ड है ये भी। ये इसके जो प्राइस हैं ये 380,000 रुपये का पड़ेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलने वाला तोता है ये और बहुत फ्रेंडली है। बच्चों को दें, ये बच्चों से तो माशाल्लाह ऐसा खेलता है, डांस करेगा, अपना ताज वगैरह खोल लेगा, फुल डांसिंग बर्ड है ये भी। ये बोलते भी हैं जी, बहुत अच्छा टॉकिंग करते हैं ये, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या हुआ, जिस तरीके से फिर आप इसको सिखाएंगे उसी तरीके से बोलेगा। घर में जो रोज बर्ड यूज होते हैं बहुत जल्दी पिक करता है ये उसको। अच्छा तो ये फुल है या अभी छोटा बच्चा है, क्या है? तैयारी पर है अभी, तकरीबन ये 2-2.5 साल का दाना है ये तकरीबन। इनकी लाइफ एज क्या होती है? तो देखें इनकी होती है जो कैप्टिविटी में रहते हैं तकरीबन ये 10-15-20 साल भी रह लेते हैं। वैसे तो ये सांस वाली चीजें या इंसान को नहीं पता, ये तो फिर नन्ना सा जान परिंदा है। अच्छा तो वैसे जो है ना इनकी क्या खुराक होती है? खुराक ये होती है देखें, कुछ इसमें सीड्स वगैरह होते हैं, सनफ्लावर हो गए, बीज हो गए, उसमें मिक्स इनका दाना मिलता है, उसमें पीनट्स हो गई, फिर ड्राई फ्रूट में ये काजू वगैरह, बादाम वगैरह सब चीज़ें माशाल्लाह खाता है ये। तो 380,000 मुझे आपने इसकी प्राइस बताई है। लोग जो है वो 380,000 रुपए खर्च कर देते हैं। मैंने आपको पहले फिर भी पहले क्यों बताया कि ये शौक का कोई मोल नहीं है, शौक की बात होती है। जो पेट लवर होगा वो 380,000 के वो 10 लाख भी नहीं देखता है जिसको शौक होगा। और इनका बताइए, ये मेरा सबसे फेवरेट जो है ना वो बर्ड है, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना इसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती हूँ कि ये किस तरह से बात करते हैं और ये बड़े वो होते हैं फास्ट, मतलब जैसे ही कुछ इनको बात बोलो तो ये फौरन से पिक करके उसको रिपीट करते हैं। तो इनके बारे में बताइए कौन सी ब्रीड कहलाती है? नाम सुनाओ, ग्रे पैरेट आजकल लोगों के नाम पर बहुत मशहूर है ये, बहुत अच्छा टॉकिंग बर्ड है, बहुत अच्छा सीखता है और बहुत जितने भी आप बर्ड ले लें सब में अच्छी टॉकिंग करने वाला ग्रे पैरेट होता है। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे एक बच्चा बात कर रहा है, इस तरीके से टॉकिंग करते हैं ये। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बड़ा एडल्ट मेल है, ये भी बहुत अच्छी टॉकिंग करने वाला है। क्या इसकी क्या प्राइस है? ये पड़ेगा 110,000 रुपये का। इनमें कमी बेशी नहीं होती? देखिए 2-4 हज़ार रुपये की नेगोशिएशन होती है वो हम कर लेते हैं, जो बताने कुछ होते हैं वो जो भी आया कस्टमर लेना हम थोड़ी बहुत नेगोशिएशन कर लेंगे, मसला नहीं है कोई। ठीक हो गया। अच्छा आपके पास ही जो मौजूद होते हैं तोते, इनसे जो है ना आप लोग ब्रीडिंग भी करवाते हैं? अगर किसी के पास सपोज कि ये मेल है सही ना, अगर कोई फीमेल अपनी लेके आते हैं और चाहते हैं इससे ब्रीडिंग करवाए तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं? देखें जो हम खुद से ब्रीड नहीं करवाते, हमारे अपने फॉर्म पर देखें ब्रीड हो रही होती है, किसी को जैसे पेयरिंग के लिए चाहिए होता है, ब्रीड के लिए चाहिए तो हम उसको अच्छा मशवरा दे देते हैं कि भाई किस तरीके से क्या करना है, उसको मशवरा देकर उसका जोड़ा सेट करवा देते हैं, इंशाल्लाह ताला वो ब्रीड भी आती है फिर वहाँ पर। अच्छा जी तो ये अमेज़ॉन है, काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में, मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है ये पाकिस्तान में, बाहर कंट्रीज़ में भी अमेज़ॉन का नाम बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये जो है वो ब्लू मकाओ है, इसकी भी डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं। अच्छा तो मुझे बताएं कि ये दोनों भी फुल हैं अभी छोटे हैं? ये भी फुल एडल्ट मेल है ये भी, और ये भी बड़ा है, और ये बहुत अच्छी टॉकिंग करने वाला अमेज़ॉन है, बहुत अच्छा प्यारा बोलता हुआ, बहुत क्लास की टॉकिंग करता है ये भी। अमेजोन का नाम सुना होगा आपने, अमेजोन बहुत अच्छा बोलने वाला टॉकिंग पैरेट में से, ये भी बहुत अच्छा बोलता है माशाल्लाह से। ठीक है, इनकी भी ब्रीडिंग वगैरह आप करवाते हैं? जी बिल्कुल ब्रीड करवाते हैं माशाल्लाह, हमारे खुद के पास पेयर लगे हैं अपने। क्या प्राइस है अमेजोन? ये दे देंगे 180 का दे देंगे, वैसे बताने के तो कुछ और होते हैं, फाइनल 1,80,000 रुपये का दे देंगे आपको। ये फुल साइज होता है, इससे बड़ा नहीं होता? फुल साइज होता है, इसमें अलग अलग देखिए स्पीशीज आती है, इसकी अलग फैमिली होती है अमेजोन की, अलग अलग इसमें वैरायटीज होती हैं, कलर भी अलग होता है, वो है अमेजोन ही लेकिन उसका कलर अलग होगा। तो ये चीज़ें हैं, अब जैसे ये मकाओ है देखें, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, अब मकाओ की फैमिली से भी काफ़ी सारे मकाओ ताल्लुक रखते हैं, एक वो हमारे पास पीछे रखा हुआ मिनिएचर मकाओ, मिनी मकाओ, सब में छोटा मकाओ है दुनिया का वो। जी और जो नॉर्मल बड़े मकाओ होते हैं जी, ये भी वो देखें जैसे वो मकाओ है, ये भी मकाओ, ये भी उसी की फैमिली से, लेकिन साइज उसका छोटा लेकिन है वो भी मकाओ। इसकी क्या प्राइस है? ये दे देंगे 2.5 लाख रुपए का फाइनल, ये बहुत अच्छी टॉकिंग करने वाला और हैंड टेम दाना है।
मतलब ये सारे ही बोलते हैं लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा घबराहट की वजह से वाले सारे ही। असल में मार्केट होती है, 10 लोग आते हैं, परिंदा डिस्टर्ब होता है, घर में इंडोर फैमिली माहौल होता है, जिनको रोज देखते हैं तो उनसे बहुत अच्छी टॉकिंग करता है। अच्छा, तो ये वाला मकाओ बोले थे कि दुनिया का सबसे छोटा मकाओ है। ये दुनिया का सबसे छोटा मकाओ है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी मकाओ। ये क्या बहुत अच्छा पेयर है, ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए तकरीबन ये 5 साल का पेयर है जी। इनकी क्या प्राइसेस होती है? ये सब में सस्ता मकाओ 1,80,000 रुपए का पेयर दे देंगे। ये भी सस्ता है मकाओ फैमिली से सब में सस्ता मकाओ मिनी मकाओ 1,80,000 रुपए बोलते हैं सब कैसी करते हैं। ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए पेयर है, जब इनके अंडे बच्चे होते हैं, जब उनको हैंड टेम किया जाता है तो वो भी अच्छी टॉकिंग करते हैं, जब उनको सिखाने पे बात है, मेहनत पे बात है कि बंदा कितनी मोहब्बत करता है परिंदे से, कितना टाइम दे रहा है उसको, तो उस हिसाब से परिंदा भी सीखता है। सर जी, ये आप बता रहे हैं कि आपकी पूरी मार्केट में चैलेंज क्या है कि ये आपको नहीं मिलेंगी ये वाले जो बर्ड इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी ने पाली भी हो तो कह नहीं सकते, करके अंदर मार्केट में किसी के पास नहीं। बहुत अच्छी खूबसूरत चिड़िया है ये, इसका नाम है डायमंड स्पैरो। अच्छा जी, खास क्या चीज है इसमें? खास ये देखें, कलर देखें कितना खूबसूरत है इसको, कितनी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है, बहुत नाजुक आइटम है, ये भी सिर्फ कलर की खूबसूरती है इसकी। क्या प्राइजेज हैं इनकी? देखें ये आप, वही अभी मैं आपको प्राइस बताऊंगा, इसके साथ बोलेंगे इतनी महंगी, ये 20,000 रुपए का जोड़ा है, इतना इतना सा 20,000 रुपए का पेयर है ये। और ये क्या खाते हैं? वही दाना जो ये आम जो फिंचेस वाला दाना होता है वही खाती है ये भी। और खूबसूरती चेक करें आप खाली इसकी। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि वो यहाँ से परिंदे खरीद के लेके जाते हैं या कोई भी जानवर लेके जाते हैं तो वो उनकी केयर नहीं कर पाते और लाखों रुपए के जानवर जो हैं इनके वो मर जाते हैं, तो किस तरह बताएं कि आप बताएं कि लोगों जो लोगों को कि जानवरों की किस तरह केयर करें, खुराक का किस तरह ध्यान रखें, उनकी सेहत की कैसे केयर करें ताकि कम से कम अगर वो लेकर जा रहे हैं तो वो पाल तो सकें। देखें अक्सर लोग सही कह रही हैं आपके, परिंदे लेके जाते हैं मर जाते हैं। पहली बात तो ये है, परिंदे की जो भी जानवर या परिंदा बर्ड एक्स्ट्रा रेड कुछ भी लेके जा रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए स्पेस। देखें स्पेस होगी तो परिंदा खुश रहेगा। परिंदा या जानवर कोई भी आप घर में पालें वो जगह मांगता है, अच्छी खूबसूरत जगह दें उनको, पूरे नेचुरल माहौल दें उनको, उनकी डाइट का ख्याल रखें उनको प्रॉपर। देखें जब कोई चीज़ बंदा पालता है उसको टाइम भी देना होता है। अब ये नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि परिंदा ले जाते हैं खाली उसको दाने पानी का ख्याल रख रहे हैं और परिंदे की एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं, परिंदा क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है परिंदा, ये सारी चीज़ें देखनी होती है परिंदे के अंदर, जब इस तरीके से शौक बंदे का कंप्लीट होता है। अब हमारे पास माशाल्लाह घर के ऊपर फॉर्म बना हुआ है, खुद अपने ब्रीडिंग जोड़े लगे हुए, हम सुबह जाते हैं छत पे देखते हैं या फॉर्म पर जाते हैं देखते हैं, 2-3 घंटा बैठते हैं परिंदे को देखते हैं कि परिंदा क्या चाह रहा है, कि क्या चीज़ नीड है उसको, क्या चीज़ देना है, क्या चीज़ वो ज़रूरत की चीज़ उसको देनी होती है, जब जाके परिंदा ब्रीड करता है सही तरीके से रहता है परिंदा। और वैसे सारे परिंदे तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही खुराक खाते हैं, ये जो मका स्पेशली आप तोतों के बारे में बताएं क्योंकि ये बहुत महंगी जो है ना रखे हुए, और ये ग्रे पैरेट वगैरह इनकी कुछ अलग अलग डाइट्स होती हैं, ये ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, ये फल फ्रूट भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, ये फल फ्रूट और सब्जी जितनी खाते हैं उतनी अच्छे डाइट में भी अच्छे रहते हैं। और उसके अलावा हम इसको देते हैं चना भिगो के देते हैं, गंदम भिगो के देते हैं, काफ़ी सारी दालें मिक्स करके भिगो के देते हैं, तो उससे इनकी डाइट ट्रेंड भी सही रहता है और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी सही रहता है। इनके कोई बच्चे लेता है तो उनकी केयर कैसे की जाती है? देखें बच्चों का तो थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चा करता है हाथ से फीड, फीड का हिसाब ये होता है, अब जो ज़्यादा पेट लवर होगा वो तो पाल लेगा, जो नया नया पेट लवर बनना चाह रहा होगा वो बच्चा मार देता है। अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि भाई हम बच्चा लेके गए आपसे, वो घर हमने उसको खिलाया तो बच्चा मर गया, तो बाद जब ऐसा होता है पहले लोग सीखें या यूट्यूब पे देखें तो उसके बाद अगला स्टेप उठाएं। ये लेडी गोल्डियन कहलाती है, ये भी स्पैरो की फैमिली से है, देखें कलर इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये लेडी गोल्डन कहलाती है और ये बहुत खूबसूरत होती है, इसके प्राइस होते हैं 16,000 रुपये जी पेयर के। चुड़िया की नस्ल की जी, ये भी स्पैरो फैमिली से ताल्लुक रखती है, इसको लोग बहुत लाइक भी करते हैं और पसंद भी करते हैं और ये आसान चीज की तरीके की ब्रीड है। मैं स्पेशली आपसे पूछूंगी जो ये पहाड़ी तोते होते हैं तो ये ना ये बहुत आम है, लोग बहुत आम तौर पे इसको पाल रहे होते हैं। अच्छा, मार्केट में बहुत से लोग इसको लेकर जो है ना फ्रॉड कर रहे होते हैं कि मार्कर से इस पे कंठी बना देते हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि लोग जो है वो फ्रॉड से बच पाएं। देखें बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लोग आजकल बहुत फ्रॉड कर रहे हैं मार्कर से या इससे कंठी बना देते हैं उसकी। हमारा यहाँ रोज़ का काम है, एक दिन वाला काम नहीं, हमारी प्रॉपर दुकान है माशाल्लाह आपने देखी, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। और ये अलेक्जेंडर का बच्चा है और ये पहाड़ी जिसको हम नॉर्मल पहाड़ी बोलते हैं ये लर्निंग एज पर है, तकरीबन ये 2.5 से 3 महीने का बच्चा है। वैसे क्या वजह होती है कि लोग इसकी नकली कंठी बनाते हैं?
देखें लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, आजकल आपको पता है चोरी डकैती महंगाई इतनी है, लोग दो नंबर तरीके से बड़ी चीज़ें काम कर रहे हैं और बहुत मतलब दो नंबर ही होती है मार्केट के अंदर, लेकिन हमारा दो नंबर वाला काम नहीं है। हम जिसको भी देते हैं चीज़ सेटिस्फाई करके देते हैं चीज़, और अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं ताकि कस्टमर हमारे पास दोबारा आए चल के। ऐसे क्या प्राइस है इसके पहाड़ी तोते की और इसके ऊपर वाला जो है ये चारे जो रखे हैं? अलेक्जेंडर का बच्चा है, ये लर्निंग एज पर है, भी तकरीबन ये 3 to 3 months का बच्चा है, बेबी है भी ये भी। इसके प्राइस हैं तकरीबन 17,000 रुपये। और इसके ऊपर वाला ये देसी तोता आम कहलाता है, ये देसी तोते की फीमेल है, ये दे देंगे 4,000 रुपये की। और ये वाला ये अलेक्जेंडर का बड़ा एडल्ट पेयर है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए जी, पूरा एडल्ट, वो मेल है इसका और ये फीमेल है जो नीचे दाना खा रही है। ये पेयर आपको देंगे फाइनल 60,000 रुपये। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी आपको कि इनकी जो शॉप है सदर इम्प्रेस मार्केट के सामने, जो एनिमल मार्केट है, बर्ड मार्केट है, यहाँ पर है। और मैं इनकी शॉप पे इसलिए आई क्योंकि मैं भी पर्सनली इनसे ही अपनी एक किटन परचेज करके लेके गई थी। मैं मुतमईन हूँ कि यहाँ पर जो ये चीज़ देते हैं, जो बोलते हैं वही चीज़ होती है, धोखाधड़ी नहीं होती। तो आप लोग भी अगर कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड परचेज करना चाह रहे हैं तो इनसे ही रब्ता करें। आप मुझे बता दीजिए कि काफ़ी सारी दुकानें हैं, आप तक कोई कैसे पहुँच सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नाम बता दीजिए। मैं शेयर कर देता हूँ, अपने जो भी कोई भी चीज़ लेना चाहे कॉन्टैक्ट करके आराम से इजीली आ सकता है हमारे पास, कोई मसला नहीं। व्हाट्सएप नंबर ही बता दूंगा आपको, 0300-2347-963। आपकी नाम दुकान का दोबारा? दुकान का नाम तो देखें अभी असल में नई शॉप है, अभी पूरे हवा चली थी तो बोर्ड हमारा गिर गया, बंद दिया। पेट प्लैनेट नाम है हमारी शॉप का, पेट प्लैनेट। और आप दुकान पे अगर कोई आपका कोई जो बंदा होता है कोई भी आ जाए, इजीली नाम बताएं, पेट प्लैनेट नाम से आएंगे तो आपका जो रेफरेंस देते हैं कोई भी, तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ चाहिए होगी मिल जाएगी डिस्काउंट के साथ मिलेगी बिल्कुल। ठीक है भाई, तो ये आपने देखा सारे जितने भी बर्ड्स मैंने आपको दिखाया, अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है, कोई भी परचेज करना चाह रहे हैं या इनसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इनके खाने पीने के हवाले से, इनकी खुराक के हवाले से, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपनी मेज़बान महमदिला को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।